नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज स्टेनो की 26वीं क्लास है। ये वीडियो बड़ा हो सकता है या फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करके अपलोड करूंगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, इसका जो सेकेंड पार्ट आए उसको भी आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में वो सब बताऊंगा जो सेंटेंस में बार बार यूज होते हैं। जैसे आपने देखा जिसमें के पास, के खिलाफ, फलस्वरूप, के साथ, के द्वारा, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स जो आते हैं उनमें बच्चे कंफ्यूज बहुत रहते हैं, कंफ्यूज नहीं रहते तो कुछ बच्चे याद नहीं करते, उन चीजों को इग्नोर करते रहते हैं। तो दोस्तों आप इन चीजों को जरूर से जरूर याद करें। अब तक जो जितने भी बेसिक वर्ड बताए मैंने उनको आप कंप्लीट देखें। आने वाली 40 क्लास तक आपकी मैक्सिमम वर्ड्स में तैयार करवा दूंगा। उसके बाद में अपन वन बाय वन क्लास करके आपको डिटेक्शन मिलती रहेगी और साथ में आपको जो कठिन वर्ड्स आते हैं वो बताता रहूंगा, जिससे आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन दोस्तों जो वर्ड्स बता रहा हूं जो शब्द के साथ में आते हैं इनको आप याद करें। तो एक वर्ड को कम से कम आप लोग 10 से 20 बार लिखे, फिर भी याद नहीं हो तो 50 से 60 बार लिखे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं सात से। से वर्ड सिंपल लाइन पे आएगा इस टाइप से। तो सामने, यदि आपके सामने केवल अकेला सामने वर्ड आता है तो इस टाइप से अपन बनाएंगे, जैसे अपन दो बनाते हैं ना उस टाइप से अपन इसको बनाएंगे। आपके सामने आ जाए के सामने, तो इसको लिखेंगे शब्द के साथ में, जैसे उस बनाया के सामने, उसके सामने, उसके सामने। इसी टाइप से में, दोनों में जो आते हैं अपने, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन में, जैसे उसमें, जिसमें। अब कुछ बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं कि पहले जिस बनाएंगे और फिर मैं जोड़ते हैं इस टाइप से। दोस्तों इस टाइप से लिख रहे हो तो ये गलत हो जाता अपना। आप जब भी लिख रहे हो तो जिस में और फिर उसके बाद में आप मात्रा लगाएं। इसी टाइप से ने, ये किस हो गया और ये ने, तो ऐसे नहीं लिखे, किस ने फिर मात्रा आप लगाएं, पहले ने तक लिखे और फिर इस टाइप से मात्रा लगाएं। मैं लिख रहा हूं उसको देखिए दोस्तों, ये हो गया अपना किसने। इसी टाइप से द्वारा, द्वारा और फलस्वरूप, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो बच्चे होमवर्क कम करते हैं, तो जब बाद में स्पीड में लिखने लगते हैं तब वो फलस्वरूप और द्वारा दोनों को सेम लिख देते हैं। तो आप लोग देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, फलस्वरूप में डॉट आ रहा है और जो द्वारा है वो सिंगल अकेला है। तो आप जब भी बनाएंगे द्वारा को इस टाइप से सिंपल बनाएंगे। अब आपके सामने आ जाए के द्वारा, अब के द्वारा आ जाए तो ये आएगा अपना शब्द के साथ में, उसके द्वारा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं यूं लिख देते हैं तो ये आपका गलत हो जाता है। उफ है, उफ क्या होता है आपका, तो आप लोग ऐसा नहीं बनाए इसको प्रॉपर, उसके द्वारा। इसी टाइप से द्वारा में यो बनेगा तो ये साथ में, केवल साथ लिखेंगे तो इस टाइप से बनाएंगे। के साथ आ जाए तो आपको कैसे बनाना है, जैसे ख और ने और के साथ, तो इस जगह अपना खाने के साथ। अब खाने के साथ एक और तरीका हो गया अपना, कह और ने और के साथ, तो यहां पे क्या हो गया ने था। यदि आप इस, ये लाइन मैंने कैची लाइन के ऊपर, इसको यदि आप इतना बड़ा कर रहे हो ना तो फिर ये टह का पार्ट हो जाता है, फिर इसको आप टह पढ़ोगे, तो जब भी ने बनेगा तो टह का आधा पार्ट छोटा सा। तो इसको अपन किस टाइप से बनाएंगे, ख और ने और के साथ,
तो ये अपना खाने के साथ। अब कभी कभी आपके सामने रहता है उसके साथ ही साथ। अब देखो दोस्तों, यहां पे चार वर्ड है, इसको अपन एक साथ कैसे लिखेंगे? कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, उसके साथ लिखेंगे, फिर ही अलग लिखेंगे और फिर साथ लिखेंगे। देखते हैं, पहले मैं उसके साथ मैंने यहां पे बताया, इसको आपने फॉलो कर लिया, लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, साथ ही साथ, इस टाइप से बताया था। तो इसी टाइप से अपन क्या करेंगे, जैसे उसके साथ ही साथ, तो के साथ अपन बना रहे हैं, तो यहां पे अपन ऐसे काट देंगे। और जबकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसके साथ ही और फिर इस टाइप से बनाएंगे। दोस्तों बहुत टाइम खराब हो गया अपना, 4 से 5 सेकंड यहां पे आपकी खराब हो जाती है। तो आपको सिंपल कैसे बनाना है, उसके साथ ही साथ, उस बनाया के साथ लिखा बनने और ऐसे अपन काट देंगे। तो यहां पे अपन उसके साथ ही साथ पढ़ेंगे। के लिए, जो आपका के लिए है ये इस टाइप से बनेगा, अर्धचंद्राकार का होगा, लेकिन ये इस टाइप से थोड़ा बड़ा होगा तभी ये समझ में आएगा। कुछ बच्चे इसको ऐसे कर देते छोटा सा, तो दोस्तों ये भी समझ में नहीं आएगा आपके। तो जब भी मैं जो शब्द बताता हूं उस पर आप प्रॉपर वीडियो को सुने और प्रॉपर ध्यान दें कि मैं जो शब्द बना रहा हूं किस टाइप से बना रहा हूं। उसके लिए, अब ये तो गए अपना उस, और इस टाइप से आपको बनाना है थोड़ा बड़ा, उस और के लिए, इस टाइप से थोड़ा आपको बड़ा बनाना है, उस, और ये हो गया अपना के लिए, उसके लिए। इसी टाइप से इसको जब मैंने उल्टा घुमा दिया, बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि के लिए और की वजह सेम से है। अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ध की तरह आएगा और ये आएगा अपना व की तरह, लेकिन ये भी थोड़ा अपना बड़ा रहेगा। तो के लिए में इस टाइप से थोड़ा बड़ा, और उसकी वजह, उसकी वजह, तो इसको अपन थोड़ा बड़ा बनाएंगे, उसकी वजह, इस टाइप से जो वह बना रहे हैं ये अर्धचंद्राकार का, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होगा। इसी टाइप से आगे देखते हैं, के दौरान। अब दोस्तों यहां पे जो के दौरान है ये सिंपल आएगा अपना, के लिखा आपने और यूं के लिए की तरह लाइन के ऊपर, ये रहेगा अपना लाइन के ऊपर। के दौरान कैसे बनाना अपन को, के जो लिखते हैं अपन नॉर्मली, के बनाया अपन ने, और दौरान का जो सिंबल है वो जो के लिए का है उसी टाइप का सिंबल अपन को लाइन के ऊपर यूज करना है। लेकिन लेख के लिए में और के दौरान में जो डिफरेंस है, ये शब्द के साथ नहीं आता और ये शब्द के साथ आता है। चलो दोस्तों, अब अपन देखते हैं काम की वजह, उसकी वजह, काम की वजह। तो इस टाइप से कोई भी वर्ड आपके सामने आ जाए तो आप उसको आराम से लिखे, उसकी वजह, काम की वजह, तो कह और मैं और की वजह, इस टाइप से बनाए अपन। तो ये अपना कह और मैं और ये अपना वजह, तो ये अपना काम की वजह। इसी टाइप से के बाद, के लिए, इसी टाइप से यहां पे अपने पीछे की ओर गुंडी लगा दी, तो ये जगह अपना के बाद, ओनली बाद आए तो पूरा बनाना है, और जब भी आपके सामने आए के बाद तो यहां पे क्या करेंगे अपन, जैसे उसके बाद, तो ये बनाया अपन ने उस, और ये के बाद हो गया अपना। कैसे लिखा अपन ने, ये बनाया उस, और ये हो गया अपना
के बाद, इस टाइप से, उसके बाद। अब इसी टाइप से इसको जस्ट मैंने उल्टा कर दिया तो ये हो गया अपना विपरीत। विपरीत में के विपरीत, ओनली विपरीत से आपके सामने आए तो पूरा बनेगा, यदि आपके सामने आए के विपरीत तो के बाद का जस्ट उल्टा हो जाता है तो ये हो जाता अपना विपरीत। तो के विपरीत में उसके विपरीत, तो ये भी आपका बड़ा बनाना है। इसी टाइप से के विरुद्ध, के विपरीत हुआ कोई भी चीज अपने अकॉर्डिंग नहीं होती, अपने अनुसार नहीं चलती तो वो अपने विरुद्ध हो जाते एक तरह से। जो चीज विपरीत होती है वो अपने विरुद्ध भी हो जाती है। तो विरुद्ध में अकेला आएगा तो पूरा बनेगा वही, के विरुद्ध आता है मैक्सिमम टाइम तो के विरुद्ध में यू लिखेंगे अपन शब्द के साथ में। तो उसके विरुद्ध, यहां लिखे बता रहा हूं ऊपर में, ये उस बनाया और यू, उसके विरुद्ध कानून के विरुद्ध, तो यहां पे लिखे अपन क न, और ये हो गया अपना विरुद्ध। तो इसे अपना कानून के विरुद्ध। अब इनमें जो कंफ्यूजन रहता है वो मैं आपका अभी क्लियर करूंगा, पहले अपन ये वर्ड्स पढ़ लेते हैं। आपको याद कैसे करना है भाई, मैंने बता तो दिया लेकिन आपको याद कैसे रहेगा, किस टाइप से आपको अपने अकॉर्डिंग सोच के याद करना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। के पास, उसके पास, तो उस लिखा अपन ने और ये हो गया अपना के पास, उसके पास। अगर अकेला पास आए तो कैसे लिखेंगे अपन, पर और से, इस टाइप से अपन बनाएंगे। लेकिन आपके सामने आए के पास तो उसके पास, उसके पास, सिंपल इस टाइप से बनाना है। दोस्तों हर जगह मैंने उस वर्ड उठाया, तो ऐसा नहीं सोचे आप कि जो मैं बना रहा हूं वो सिर्फ उसके साथ में ही लगेंगे, ऐसा नहीं। आपके सामने इसी टाइप से, आपके पास, इस टाइप से भी जा सकता है ना, आपके पास वो वस्तु है, वो चीज है, तो कोई भी वर्ड आ जाए, आपके पास, उस घर के पास, उस मकान के पास, तो आप जब भी के पास आए तो किस टाइप से लिखेंगे, आपके पास, ये हुआ आया और ये हुआ अपना पैर। इसको आपको थोड़ा बड़ा बनाना होगा, ये देख लीजिए आप, ए और ये हुआ अपना पैर, इसको आप थोड़ा सा बड़ा बना देंगे तो ये जगह अपना आपके पास। अब नेक्स्ट आता अपना, पहले इसको देख लो और, कि जैसे आता मकान के पास, तो मकान के पास अगर बनाने तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कोने में, मकान के पास मैं कह और मैं, और ये अपना बन गया के पास। के पास की जो लाइन है ये थोड़ी बड़ी बनानी है अपन को, बस ये ध्यान आपको रखना है, ये जो लाइन है जहां पे भी तो ये थोड़ी बड़ी बनानी है। जैसे अपन पैर बनाते हैं तो पैर तो छोटा सा इस टाइप से बनाते हैं अपन, लेकिन पास की जो लाइन है इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना अपन को। आगे देखते हैं, के खिलाफ, खिलाफ अकेला आएगा तो पूरा बनेगा, जब भी आपके सामने आए के खिलाफ तो कैसे बनाएंगे वही, लेकिन नीचे की तरफ अपन को डॉट लगाना है। जैसे उसके खिलाफ, उसके खिलाफ, उसके खिलाफ। मैंने हर जगह उस वर्ड को उठाया, तो आप ऐसा नहीं सोचे कि उस वर्ड से ही क्यों बताते हैं, क्योंकि मैं एक वर्ड को इसलिए उठा रहा हूं जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाए।
जब भी आए। अब कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कानून के खिलाफ, तो क, न और के खिलाफ। अब आपका अकेला फल स्वरूप आए तो फ बना के ऊपर की तरफ डॉट लगा देंगे, ये हो जाता अपना फल स्वरूप। अब जब आपके सामने आ जाए के फल स्वरूप, तो सिंपल वही के पास की तरह यो खेचा बनने और यहां पे बीच में डॉट अपन लगा देंगे, जैसे उसके फल स्वरूप, उसके फल स्वरूप, इस टाइप से अपन लिख देंगे। अब ये वर्ड्स मैंने बना के आपको बता दिया, आपको समझ में भी आ गए होंगे, लेकिन कुछ बच्चों को ये वर्ड्स याद नहीं होते। मेन चीज होती है याद कैसे करें, तो आप लोगों को कैसे करना है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। देखो, जब किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है तो वो अपना साथ देने वाला है, तो उसके द्वारा मतलब उस तरफ बढ़ रहा है, इस टाइप से बनाना अपन को। और के साथ मतलब वो मेरे साथ है, तो इस टाइप से इसको अपन याद करेंगे। आगे देखते हैं, साथ ही साथ सिंपल बना लेंगे। अब यहां पे आता आपका के लिए, उसके लिए, उसके लिए अड़चन प्रकार का थोड़ा आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। तो के लिए जब इस टाइप से घूम गया तो ये हो गया अपना की वजह। की वजह जब भी बनाएंगे सबके साथ में, उसकी वजह, जिसकी वजह, जिसकी वजह, कुछ भी इस टाइप से अपन बना लेंगे। इसी टाइप से के दौरान अकेला आएगा, के बाद में पीछे की तरफ अपन गुंडी लगाएंगे। तो यहां पे अपन ने पीछे की तरफ गुंडी लगाई, उसके बाद, जिसके बाद, तो इसको जस्ट अपन घुमा देंगे, तो ये हो जाएगा अपना विपरीत। भाई जब अपना रिजल्ट आ जाता है तो अपनी परिस्थितियां विपरीत हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। एग्जाम में यदि फेल हो जाता कोई बच्चा तो उस समय सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। भाई एग्जाम के बाद, परीक्षा के बाद, तो के बाद का सिंबल आ गया अपना, तो के बाद को जस्ट उल्टा किया अपन ने, तो ये विपरीत परिस्थितियां पैदा करने लगा। विपरीत परिस्थितियां आने लगी तो ये जो गुंडी है ये पहले आ गई, तो ये हो गया अपना विरुद्ध, मतलब कानून के विरुद्ध, उसके विरुद्ध, हर चीज के विरुद्ध होने लगे। भाई एग्जाम में जब आप ऐसे बोल रहे तो परिस्थितियां विपरीत हुई, तो आपने सब फ्रेंड सर्कल छोड़ दिया, किसी से बात नहीं करते, और आपको ये लक्ष्य बना लिया आपने कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। जैसे कुछ मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं जो कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनको 100% मैं कहता हूं कि उनको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग कर स्टेनो में प्रॉपर वो ध्यान दे रहे हैं, अपने एक एक मिस्टेक चेक करवाते हैं और उस पर प्रॉपर ध्यान दे के वापस से वो चेक करके और वापस होमवर्क करके मुझे भेजते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% होगा, आप चिंता नहीं करें। तो इस टाइप से वो हर चीज के विरुद्ध हो गए। के पास पे का थोड़ा सा बड़ा पार्ट बनाना अपन को, तो ये हो जाए अपना के पास। और के पास के नीचे की तरफ अपन गुंडी, जो अपन डॉट लगा देंगे, तो ये जगह खिलाफ और फलस्वरूप में इस टाइप से अपन बनाएंगे। फलस्वरूप अकेला आएगा तो फ बना के डॉट लगाएंगे, और के फलस्वरूप आएगा तो इस टाइप से अपन लिखेंगे। कुछ बच्चे फलस्वरूप को उसके फलस्वरूप इस टाइप से भी बनाते हैं, तो ये भी आपका सही है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा आप बना रहे हो तो, डोंट वरी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप या तो ये उठाएं या फिर ये उठाएं। जब भी मैं आपको दो से तीन तरीके की आउटलाइन बताता हूं,
तो बाकी आउटलाइन को आपको भूल जाना चाहिए, सिर्फ एक ही टाइप की आउटलाइन यूज करना चाहिए, क्योंकि डिटेक्शन लिखते समय आपको दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इस क्लास में आए हुए वर्ड्स की डिटेक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास देखते हैं। दोस्तों चलते हैं, रेडी स्टार्ट। आपके पास उसके द्वारा उसके विरुद्ध उसके विपरीत कानून के विरुद्ध उसके लिए साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा द्वारा किसने फलस्वरूप उसके फलस्वरूप कानून के खिलाफ आपके पास मकान के पास किताब के पास जिसके द्वारा काम की वजह सामने के दौरान उसके लिए काम के विपरीत कानून के बाद कानून के विरुद्ध जिसके फलस्वरूप। दोस्तों यह आपने देख लिया होगा, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और कोर्ट के एग्जाम भी होने वाली है तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।